हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो अभी अपने घर से मैं निकल चुका हूँ शॉर्टकट वाले रास्ते से द घर, क्योंकि अरुण भाई का घर और मेरा घर बिल्कुल साथ साथ में अराउंड 100 मीटर्स की दूरी पे, तो मैं वहाँ से निकल रहा हूँ शॉर्टकट। शॉर्टकट इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि हम लोग आज भी जाने वाले हैं एक ही गाड़ी में, TRX में हम लोग जा रहे हैं। हम 5 लोग ही है, पिछले कल हम लोग गए हुए थे, लेकिन आज हम प्लान करें कि थोड़ा सा और आगे हम लोग जाए, आप लोगों को और अच्छी चीज़ें दिखाए। क्योंकि पिछले कल हम गए, हमको बर्फ बिल्कुल भी नहीं मिली, वो हल्की फुल्की साइड में थी, बिल्कुल बर्फ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो ट्राई करेंगे थोड़ा सा आगे जाए, आपको चीज़ें और भी अच्छी दिखाए, और भी हम लोग भी देखें, आप लोगों को भी दिखाए, और एडवेंचर हम भी करें, आपको भी करवाए। क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाते हैं आपको ले जाना जरूरी होता है, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो। बाकी चले, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बातें भी थोड़ी सी कम करते हैं, चलते। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए करते आपके एडवेंचर से लेकर शुरुआत है इसको। और आज TRX का लॉन्च कंट्रोल भी टेस्ट होने वाला है फुल, ठीक है, और आज मैं उसका एक रिव्यू भी करूंगा, लेकिन जो रिव्यू होगा वो एक सेपरेट वीडियो आएगी। और अच्छा ट्राई, मतलब कोशिश करेगी कि जो उसकी रिव्यू वीडियो है अच्छी सी लोकेशन में माइक वे लगा के अच्छा से शूट कर लें हम लोग, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं। और ये बस यहाँ से शॉर्टकट एक रास्ता है, और ये उन्होंने बैठकर घर पर नीचे, मतलब मेरे घर के बिल्कुल साथ में ही है, 100 मीटर की दूरी पे। ओके जी, फाइनली सबसे पहले हमेशा मैं उठता हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ। क्या बोलोगे अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ यार, आया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि मैं काफी लेट उठा, रात को बुखार चढ़ गया था पिछले कल हम वहाँ ऊपर होके आया ना। बिना नलाया भी गुड मॉर्निंग, रेडी गुड मॉर्निंग। अच्छा ड्राई वॉश क्या है, स्नो टू भी चलेगा, तू भी चलेगा, स्नो स्नो में चलेगा। सुबह पिज्जा चाट रहा था पिज्जा। अच्छा पिज्जा खा लियो रात वाले सारे, भाई तेरे को पता है क्या, पूरा मेन्यू ऑर्डर कर रहे थे वहाँ जाके भाई, और वहाँ जाके मैं समझ गया आ रहे हो गया भाई, है ना। चलो फिर चलो चलते हैं। गाड़ी हम लोगों ने साफ कर दी है, रोज का काम ये हो गया, रोड के साथ खड़ी करते हैं, धूल उड़ के आती है, गाड़ी गंदी हो जाती है, गाड़ी में हल्का सा पानी वगैरह हमने मार दिया है, गाड़ी पानी मार के ही साफ हो जाती है। बाकी एक और चीज, एग्जॉस्ट के पीछे जो मफलर होता है ना, वो पिछले कल बहुत लूज हो गया, तो ऑलमोस्ट गिरने वाला था दोनों साइड का, तो टाइम से हम टाइट कराने के लिए आगे, क्योंकि ऑफ रोड काफी होता है और काफी दूर जाना है हम लोगों ने, ऐसा ना हो कि रास्ते में गिर जाए, तो टाइम से ये ठीक कराते हैं और फिर निकलते हैं। ये जो मफलर होता है ना, ये आप देख सकते हो, ये पूरा लूज हो गया, ऐसा ना हो कहीं गिर जाए, दोनों साइड का हो गया, इस साइड का भी और इस साइड तब भी ठीक है, थोड़ा उस साइड का ज्यादा ही लूज हो गया। तो अभी इसमें नट बोल्ट्स होते हैं अंदर ना, 17 नंबर के नट बोल्ट्स है, वो टाइट करते हैं। यार हम लोग अभी ऊपर की तरफ जाने को सोच रहे हैं सीसी साइड को ना, और यहाँ देखो आप ट्रैफिक कितना ज्यादा लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, मतलब प्रॉब्लम होने वाली है। अरे भाई प्रॉब्लम हो गई हमको काफी ज्यादा, ट्रैफिक देखो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और काफी देर से लेके देख रहे हैं हमें, कंटिन्यूअसली चली हुई है नीचे से लेके लाइन। अरे कैसे हो, बढ़िया। आओ ना इधर हमारे दोस्तों के साथ। अरे हम लेट हो गए, बहुत दूर जाना है। कहाँ सीसी जा रहे हो? नहीं हमने श्रीगंज का जाना है। कहीं उतर नहीं सकते यार, बहुत लेट हो रहा है यार, बहुत लेट। टाइम हम लोग को बहुत दूर जाना है, टाइम दिखाता हूँ आपको मैं, 10:30 बज गए, 10:30 बज गए। ओ भैंस की आंख, सुबह 5 बजे निकलने वाले थे, निकलना ना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सोच के चले थे अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, लेकिन ट्रैफिक आने भाई क्या हो यार, आप उठते ही नहीं हो कभी यार। तू नहीं उठता साले। आज मैं नहीं उठाऊं यार। अभी ट्रैफिक देखो आज कितना है भाई, क्या है ये, ओ भाई इतना क्या, आज मेरे को बहुत टाइम के बाद ये क्राउड दिख रहा है, ऐसे कहाँ जा का रहे सारे। तो ड्राइविंग सीट से हम लोग शिफ्ट हो गए, अनुनय भाई चले गए परे सोने के लिए, चला देता हूँ गाड़ी अभी। और हम लोग पहुंच चुके अभी सिसु, अभी हम लोग सिसु, हमने वो हेलीपैड क्रॉस किया हुआ और सामने काम चला हुआ है, पता नहीं क्या ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है कि क्या हुआ है, लाइन लगी हुई है, देखो क्या जंप लग रहा है इसको भाई। जितना सोचो जल्दी निकलना वो उतना कभी भी नहीं हो पाता, जल्दी कभी नहीं निकल पाते। हम सोच के चले थे कि 5-6 बजे निकलेंगे, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9:30 बजे निकले हम लोग, और 12 हम लोग को यहीं पे बच गए, और काफी देर से देखिए हम यहीं फंसे हुए, पता नहीं कंस्ट्रक्शन का काम चला कुछ, शायद से रोड सही कर रहे होंगे। यार अभी हम लोग तांदी जा रहे थे फ्यूल अप करने के लिए, और आइस तूपा दिखाया यहाँ पे, ये देखो मेरे को भी नहीं पता था, उन्होंने मैंने बताया
ये देखो सही चीज लगी तो हमने सोचा चलते हैं, हम भी देखते हैं और आपको भी दिखा के आते हैं। रास्ता काफी पतला है। अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे तांदी के पास, एकदम हमको लेफ्ट में ये दिखा और आइस तूपा बोलते हैं इसको, एंड काफी सही लग रहा है, फ्रीज हो गया, टेम्परेचर डाउन है। ये बीच में इन्होंने लोहे का लगाया हुआ एंगल, मतलब रॉड या फिर लकड़ी का कुछ है, साथ में पानी की पाइप जा रही है, टेम्परेचर डाउन है, फ्रीज हो गया, ऊपर से कैसा लग रहा है फुहारा फाउंटेन, वेरी नाइस यार। और अभी हम लोग सोच रहे आइस आइस फाइव हो जाए, अपनी मैं स्वॉर्ड निकालता हूँ यहाँ से, गाइस स्वॉर्ड निकालूं और इन्हें एक साथ फाइट करता हूँ। भाई ठंडा, भाई ठंडा, तलवार तोड़ूंगा एक मैं, एक तलवार। अपनी गाड़ी में रेंज दिखा रहा है ये 17-18 की और हम लोग को जाना है बहुत दूर। वैसे हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल पड़ा है 20 लीटर्स, वो हमने ऊपर रखा हुआ है, और अभी यहाँ पे हम 95 डाल देते हैं, ठीक है 95 इनके पास खत्म हो गया है। और सोचो मनाली से हम निकले जिस गाड़ी में सिर्फ वही फ्यूल डलता है, उनका क्या हाल होगा, मतलब यहाँ आगे हम सोच रहे हैं कि हमको मिल जाएगा, बट यहाँ पे है नहीं, XP 95 खत्म हो चुका है और अभी हम नॉर्मल डाल रहे हैं क्योंकि रैम में तो नॉर्मल डल जाता है, AMG में नहीं डलता, AMG में वही 95 से ऊपर डालना पड़ता है, 98 हो गया, 100 हो गया, वो डालना पड़ता है, बट रैम में डल जाता है नॉर्मल फ्यूल भी। तो अभी हम इसको टैंक फुल करा रहे हैं नॉर्मल पेट्रोल और साथ में 20 लीटर ऊपर पड़ा हुआ है अभी, मतलब परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, अगर नॉर्मल तेल डालोगे परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। मैं सोच के चला था इस गाड़ी का 75-80 लीटर का टैंक होगा, लेकिन उन्होंने भाई करे 120 लीटर और एवरेज देती है शायद से 7-8-6-7 3 की है वो, आप चलाओ तब है ना, 6 की है। जितने भी अपने पास पड़े हैं Insta360 भी लगा देंगे, नॉर्मल GoPros भी लगा देंगे, एक्शन कैमरा भी लगा देंगे, आगे भी लगा देंगे। क्या कैसे माउंट है आपको? एक GoPro अभी हम एग्जॉस्ट के पास लगाने वाले हैं ताकि एग्जॉस्ट का जो साउंड है ना पीछे से वो सुनाई दे प्रॉपर, और वो साउंड हम कहीं यूज भी कर सके और आपको व्लॉग में भी दिखा सके। तो अभी ये हमने यहाँ पे लगा दिया माउंट, ये माउंट काफी यूजफुल है, मैंने आपको बोला ना मोटर व्लॉग करते हुए हैंडल बार पे लगा दो, लेग गार्ड पे लगा दो, इसे यहाँ पे लग गया है और ये पीछे का रिकॉर्ड भी करेगा, साथ में एग्जॉस्ट का साउंड बिल्कुल पास है, देखो बिल्कुल क्या बढ़िया साउंड आएगा पटाखे मारते हुए, फायर क्या रिकॉर्ड, फायर भी रिकॉर्ड हो जाए। ओके जी, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। पिछले कल हम आपको बर्फ नहीं दिखा पाए थे, आज ट्राई करेंगे कि बहुत सारी बर्फ दिखाए और इस ट्रक को, ये क्या सांड बना हुआ है? नहीं नहीं, इसमें हो गया था, ये गोट है, गोट, अच्छा गोट, गोट वो वाली चार्जिंग गोट, चार्जिंग हम निकल चुके हैं, बाकी व्यूज हम आपको इसके बाद दिखाने वाले हैं क्रेजी वाले, और देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं, कहाँ तक क्या चीजें दिखा पाते हैं, तो व्लॉग में इसके लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा और फुल ऑफ रोड करके आएंगे, फुल ऑफ रोड कैसे डरते हैं अपनी वाली में जब आप भगाते हो फिर तो हमारे को आपने वैसे पहुंचाया था कि बस ये लास्ट दिन है हमारा। आपने रात को क्या किया था? नीनो हावलेस पहनी हुई भाई, रात को ऐसा डराया ना मेरे को, लाइफ में फर्स्ट टाइम डरा हूँ और किसी बंदे के साथ, और ऊपर से लेफ्ट साइड स्टीयरिंग, मेरे को राइट की आदत है, मैं ब्रेक मार रहा हूँ, मॉल रोड वाला, मॉल रोड वाले से क्रेजी, तो वो था जो बांग वाले वहां से 1947 वाला भाई, मैं तो सीट से ऐसे चिपक गया पीछे को ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे लग रहा है किसी ने चिपका दिया, और मैं धक 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 धक। हॉर्सी हॉर्सी, हेलो हाउ आर यू, चलोगे घूमने? नहीं बोला, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया उसने, सारी लगे सच में रिएक्शन दिए, वाओ क्या क्रेजी हो गया। गाइस हमारी गाड़ी ना भी फंस गई है, आराम से ब्लैक आई से, पूरी गाड़ी हमारी पूरी ब्लैक आई से फंस गई इस टाइम पे, मतलब पूरी ब्लैक आई से, मजाक कर उन्होंने भाई को डराने के लिए बोल रहा हूँ मैं, निकालू एक बारी में निकलेगी, 4x4 लगाए थे अभी, मतलब ऑटो पे था, अभी हाई रखा है मैंने, हाई ब्लैक आईज, अनिल भाई ब्लैक आईज पपीज, लेकिन रिएक्शन अच्छा कैप्चर था। हां कैसा रिएक्शन था आपका? मस्त मस्त यार, ये रिस्की काम है, पूरे में ब्लैक आईज है, ऐसे में कभी रिस्क नहीं लेना चाहता। इनकेस आप आओ ना, स्पीड में मत आना, बिल्कुल हल्का एक्सेशन रखना, तो एक बार मैं पहले देख के आ जाता हूँ, रिस्क्यू लेना फालतू में, ये देखो पूरा ब्लैक आइस है, इसीलिए रोड जो होते हैं बंद किए होते हैं, इसीलिए रोड बंद किए होते हैं, बिल्कुल हल्का एक्सेशन, लेफ्ट ले जाओ, ऑन है ऑन है ऑन है, चलो लेफ्ट रखना, ब्लैक आइस पूरे ब्लैक आइस एकदम, हाँ वही जमा हुआ है पूरा, अंदर रह जाएगा इसमें, जो मारूंगा पटक नीचे जाएगा, हाँ हाँ वही, आराम से आराम से आराम से, आइस स्केटिंग कर रहे हो भाई, देखो ओ भाई पूरी ब्लैक आइस है, पूरी ब्लैक आइस है, हाँ ट्रक आ गया पीछे से,
सोचा नहीं था, मतलब इतनी ज्यादा ब्लैक आई थी, सामने शीशा था पूरा शीशा और ऊपर से नीचे खाई, फिर भी इजीली निकल गया। और हुआ क्या, वेट है ना इसका बहुत, ये फाड़ता तोड़ता हुआ निकल जो आई टर्न पे, नहीं टर्न पे आराम से, टर्न पे आराम से, मोड पे आराम से। ओ भाई पूरी ब्लैक आई गाइस, ब्लैक आईज। बाहर से मेरे को लेना चाहिए था, थंबनेल अच्छा था जानने के लिए, देख जा। अब ऐसे कैसे जाऊं, अब ध्यान है ना तो फंसेगी भी नहीं। रुको मैं जाता हूं। ओ भाई पूरी ब्लैक गाइस देखो, ऐसे एक्चुअली ऊपर से पानी आ रहा है ना, तब एक्सेलरेटर दो थोड़ा, ये देखो यार। ये ना हम आप लोगों को एक्चुअली डेमो दे रहे थे कि ब्लैक आइस में क्या होता है, जैसे कि सोचो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आप कभी भी ब्लैक आइस में फंसते हो, ये नॉलेज है जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हम बचपन से लेके इन्हीं चीज़ों में गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं गाड़ी। अगर आपकी ऐसी ब्लैक आइस के ऊपर है, आपको ग्रिप नहीं मिलने वाला, ट्राई करना कि आप ऐसी ऐसी जहाँ आपको ब्लैक आइस दिख रही है कभी गाड़ी मत डालो, बिल्कुल भी रिस्क मत लो। और इन केस कभी ऐसी आपकी ब्लैक आइस में गाड़ी फंस रही है ना, पहली बात तो इसके ऊपर रुको मत, रुक गई ना तो गाड़ी स्लाइड होगी, निकलेगी गाड़ी, तो ऐसे इस पर नहीं जाना है। ट्राई करो कि गाड़ी जैसे मिट्टी वाला एरिया, देखो हल्का हल्का मिट्टी वाला एरिया है, एक टायर को भी अगर ग्रिप मिल जाए ना गाड़ी निकल जाती है, तो ऐसी इस ब्लैक आइस से बचना है, ये सबसे ज़्यादा रिस्की होती है। अभी मैंने डेमो देने के लिए वो अनुराग भाई को दे रहा था, आप लोगों को बता रहा था, मैंने ऐसी आइस के ऊपर ब्रेक मारी, खाई नहीं थी, सेफ था इसलिए मैंने ब्रेक मारी, ऐसी जगह होती मैं कभी भी ये चीज़ नहीं करता। उसमें हुआ क्या, ब्रेक मारी ना मैंने, गाड़ी हल्की हल्की पीछे को गई और पीछे मिट्टी थी वहाँ पर एकदम रुक गई गाड़ी, तो वो बस डेमो था, आई होप आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। तो ऐसी से बच के रहना ब्लैक आइस से, जहाँ पे मिट्टी है कुछ है वहाँ पे निकल जाओ। और इनकेस कभी आप कहीं फंसे हो किसी सिचुएशन में ऐसी ब्लैक आइस से, ट्राई पता क्या करो, आसपास जितनी भी मिट्टी है ना पूरा भर दो मिट्टी से, मिट्टी मिट्टी भर दो इसमें, उससे ग्रिप मिल जाता है, सारा ग्रिप का खेल है। बाकी मैं काम करता हूँ, चलता हूँ, अनुने भाई चला रहे गाड़ी स्पीड में। ओ भाई सही स्लाइड हो रहा था यार, टायर घूम रहे थे, कंटेंट ही कंटेंट, ये देखो बढ़िया कंटेंट, उतना मतलब इसके लिए तो मैं बोलता हूँ भाई इस रैम के लिए कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, यहाँ अगर 4-5 फुट बर्फ होती ना अगर, वो भी ये फाड़ती हुई निकलती। भाई वेंटिलेटेड सीट्स पे कितना मजा आ रहा है, या इसमें ना वेंटिलेटेड सीट्स है, पैसेंजर की भी है, मैंने तो अपनी कर दी है ठीक है, और साथ में अनुने भाई को तो स्टेयरिंग भी है, यहाँ पे हीट फुल, क्या गरम गरम मजा आ रहा है। चढ़ा दो चढ़ा दो चढ़ा दो, देखो चढ़ती है कि नहीं, फंस गई, नहीं नहीं ये नहीं फंस सकती, ऊपर चढ़ती है कि नहीं देखो, चढ़ाओ स्टोरी। ओहो ये, हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ निकलेगी, उस साइड को जाने दो, अपनी साइड रखो निकलेगी, चलो कुछ नहीं होता इतने से पत्थर से, जाने दो अनुने भाई, 4x4 लो में रखो गाड़ी को, जाने दो, रिवर्स करो रिवर्स करो। देखो यार अगर क्लियर हो जाएगा, ये देखो ये हाइट है और ये हाइट है, चलो काम पे लगो, कुछ नहीं होगा, जा हमारी गाड़ी निकल गई और हमारी खुद की बेवकूफी की वजह से, हैंड ब्रेक लगी हुई थी भाई, मतलब हम भी सोच रहे कि पावर ही नहीं आ रही गाड़ी में, पावर ही नहीं आ रही, हो क्या रहा है, हमने एक्सेल लॉक कर दिया, सब कुछ कर दिया हमने भाई, ए टू जेड चीजें ट्राई कर दी, गाड़ी में पावर ही नहीं आ रही है, और मेरे को अनुने भाई को लगा शायद पेट्रोल हमने नॉर्मल वाला डाला उसकी वजह से, लेकिन बाद में क्या हुआ जब गाड़ी निकाली उन्होंने टो करके बाहर, आगे हम निकाल रहे गाड़ी चल ही नहीं रही है, हमने नीचे जाके देख लिया कि हमको लगा बर्फ अटकी हुई है, फिर आगे किया अनुने भाई बोलते कुछ टूट गया शायद से सामने, मैंने कहा इतनी तो बजी नहीं गाड़ी, क्या टूटेगा टूटेगा कैसे, एंड में एकदम नजर गई मेरी, मैं कहा हैंड ब्रेक लगी हुई है, फिर हैंड ब्रेक डाउन की ना गाड़ी चल पड़ी, बट फिर भी आज बहुत मजा आया हम लोगों को, और खुद की गलती थी, हैंड ब्रेक लगी हुई थी,
पावर बहुत है लेकिन गाड़ी में, पता है पावर देखो कितनी पावर है। तो अभी टाइम 4:30 बज गए और अभी निकल रहे हम यहाँ से, इससे पहले कि लेट हो जाए काफी ज्यादा, तो चलते हैं यहाँ से यार वापस घर को, क्योंकि अंधेरा होने से पहले यहाँ पे कभी भी नहीं रहना चाहिए, यहाँ से टाइम से निकल जाओ वापस। गाइस काफी देर से लेके व्लॉग नहीं किया है, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिसु में, ड्राइव में फोकस कर रहा था, सारे के सारे बंदे भाई टपक गए थे सोए हुए थे, उन्होंने भाई भी पीछे भी अपने बंदे सोए हुए थे सारे, मैं ड्राइव कर रहा था एंड आप फिर से बोला रनिंग में आ जाएगा आपको पता, मैं लाइट ऑन करके एक बार देखा सारे सोए हुए थे, कोई भी नहीं उठा था। चिंटू तो अभी उठा, चिंटू बिस्तर ले, चिंटू चिंटू कह रहा सीट करे बोल रही है, बिस्तर ले आए पक्का, डाले में बिछाए पीछे लेडी है ना, डाले में बिछाते तेरे को। तो यार हम लोगों को काफी देर से लेके चाय कॉफी पीने का मन कर रहा था, फाइनली हम लोगों को टनल के पास अटल के पास खोखसर की तरफ को मिल चुका है एक ढाबा, यहाँ पे हम लोग रुक चुके हैं चाय पीने के लिए, और जल्दी से घर चलना पड़ेगा क्योंकि आपके भाई को निकलना है चंडीगढ़। आप भी बोलोगे भाई इस महीने मैंने कम से कम तीन राउंड तो मार दिए, चौथा राउंड है, क्यों? क्योंकि बाइक की डिलीवरी है कल। हाँ जी बाकी चाय पीते हैं जल्दी से निकलते हैं, और इसके बाद व्लॉग नहीं होने वाला, इसका व्लॉग होगा जाके डायरेक्टली मनाली में घर में। फाइनली जिप्सी काफी दिन के बाद, और धूल देखो कितनी आ गई है, लेकिन ये देख रहे हो फायदा, देख रहे हैं सेरेमिक कोटिंग करने का फायदा, देखो गाइस ये होता है सेरेमिक कोटिंग करने का फायदा, सारा साफ पानी मारूंगा सारा साफ, और ऊपर से अभी हम स्टिकरिंग का सोच रहे थे इसमें कुछ कराना है, लेकिन मेरे को चंडीगढ़ निकलना है। ठीक है मिलते हैं, थैंक यू सो मच, ओके अजय भाई ठीक है बाय बाय। यार रैम चलाने के बाद जिप्सी में वापस आया हूं, इतना अजीब लग रहा है, एकदम लेफ्ट स्टीयरिंग से राइट स्टीयरिंग में आया हूं, और मेरे साथ अभी हिमांशु है, और मैं अभी तक पता क्या कह रहा था, राइट साइड बंदे थे ना ऐसे देख रहे मेरी जिप्सी को इशारा करे, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, रिएक्शन अपनी जिप्सी के लिए भी आते हैं, ऐसे नहीं कि रैम को लेकर सर जिप्सी में भी रिएक्शन मिलते हैं, बहुत अजीब लग रहा है, हाथ बिठाने में टाइम लगेगा। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं द घर, और सबसे पहले आके पता क्या काम होता है, फाइल ट्रांसफर का इधर से उधर, क्योंकि इतने सारे गैजेट्स होते हैं, 4-5 तो गोप्रो थे, ड्रोन शॉट था, बहुत कुछ था, तो फाइल इधर उधर करनी है और जल्दी से ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद घर निकलता हूं, पैकिंग करता हूं, और चंडीगढ़ जाना है रात को बस में, वहां से बाइक लेके आनी है, तो इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट मिलने वाला हूं घर जाके, पैकिंग बुकिंग करके जब निकलूंगा उस टाइम मिलता है। इसके बाद आपको बता नहीं सकता मैं कितनी जल्दी घर आया हूँ, रेडी भी नहीं हुआ वैसे के वैसे, वही कपड़े पहने हुए मैंने, बैग पैक किया, जल्दी से निकल रहा हूँ, कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया है, रास्ते में खाएंगे पिएंगे क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट आई थिंक 7-8 मिनट रह गए मेरे पास, 7-8 मिनट में मेरे को कम से कम 5-6 किलोमीटर कवर करना है, पापा जा रहे छोड़ने के लिए, बस में मिलता हूँ डायरेक्ट। गाइस चंडीगढ़ निकलना था लेकिन बस मिस हो गई है, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, वो कह रहे कि मतलब सब कुछ दिखाया हुआ था कि 10:45 पे बस निकलेगी, लेकिन वहाँ जब मैं गया वो कहते हैं आजकल विंटर्स हैं ना तो टाइमिंग चेंज हुई है, ऑनलाइन भी वही दिखा रहा है, और मेरे को पता भी था कि 10:45 ऐसी निकलती थी बस, और ऑनलाइन भी वो वही दिखा रहा है, और वो कहते हैं आजकल विंटर है ना तो 9:40 लास्ट टाइमिंग हमने रखी, इसके बाद बस निकलती नहीं, और मैं सब जगह गवर्नमेंट बस स्टैंड चला गया, प्राइवेट चला गया, हर एक जगह मैं चला गया, वो नीचे आलू ग्राउंड के पास जिंग बस है एक ना, वहाँ पर मैं चला गया, वहाँ भी बस नहीं मिली, तो मेरे कोई ऑप्शन नहीं है, तो कल ही निकलना पड़ेगा मेरे को चंडीगढ़ के लिए, तो अभी तो थक गया हूँ, तो वैसे मैं बहुत ज्यादा टायर था, इतना हेक्टिक हो गया ना, मतलब इतने थोड़े दिन ना 3-4 दिन इतने हेक्टिक हो गया ना, मेरे टाइम ही नहीं लग रहा किसी चीज़ का, मेरे को ना सोने का ना खाने का ना पीने का, व्लॉग्स का नहीं, और फाइल 2 दिन से व्लॉग नहीं आया, ठीक है वो उसका रीज़न है कि फाइल जितनी सारी हो गई ना, 3-3, 4-4 गोप्रो की फाइल, ड्रोन की फाइल, कम से कम 4-5 फोन की फाइल, कैमरा की फाइल, बहुत फाइल्स हो गई है, हो ही नहीं पा रहा, टाइम नहीं लग रहा रात को, मतलब 1-1, 2-2 बजे घर पहुँच रहे हैं, सुबह 5-6 या 7 बजे निकल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, बाकी कल चंडीगढ़ जाएंगे हम कल सुबह, अभी आराम से घर जाता हूँ, ठीक है अभी 11 बज गए, आराम से जाके एडिट करूंगा, 2-3 घंटे में एडिट करूंगा फिर सोऊंगा, तो देखते हैं या कल सुबह निकलूंगा मैं चंडीगढ़ के लिए, नहीं तो कल इवनिंग में, बाकी अभी घर चलते हैं, आज के ब्लॉग यहीं एंड करता है, होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया कमेंट में जरूर बताना, और अभी AMG और रैम दोनों यहाँ पे है काफी दिन, मतलब अरुण भाई अभी नहीं जाने वाले 14-15 तारीख तक, वो कह रहे हो मनाली भी है, उसका मतलब ये है आपको और भी चीज़ें दिखती रहेगी, बाकी आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और आपको मिलते हैं कल के एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। Minimum stress, that's your best, classic.